भारत समेत दुनिया भर के देशों में इंटरनेट ट्रैफिक का प्रवाह पहले से ही वीडियो में 80% है, जो कि बीते कई वर्षों से 30% की सालाना दर से बढ़ रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि मामूली मेटावर्स का इस्तेमाल भी अगले 10 साल में डाटा इस्तेमाल को 20 गुना तक बढ़ा सकता है। इससे सबसे ज्यादा लाभ दूर संचार कंपनियों को होगा। डिजिटलीकरण से दुनिया भर में तेजी से बदलाव आ रहे हैं, जिसमें मेटावर्स की भूमिका लगातार बढ़ रही है। मेटावर्स की वजह से डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में तेज बदलाव के कारण 2032 तक यानी अगले 10 साल में दुनिया भर में डाटा का इस्तेमाल 20 गुना तक बढ़ जाने की संभावना है। क्रेडिट सुइस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मेटावर्स में स्मार्टफोन, टेलीविजन या वीडियो गेम कंसोल जैसे उपकरणों के इस्तेमाल में लगने वाला समय और बैंडविड्थ की खपत बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं। रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि भारत में जब 5G सेवाओं को लॉन्च किया जाएगा तो इससे मेटावर्स को काफी मदद मिलेगी। 6G आने के बाद इसमें और तेजी भी आएगी। इसमें कहा गया है कि मेटावर्स का शुरुआती दिनों में सबसे ज्यादा असर गेमिंग उद्योग पर दिख सकता है। भारत में गेमिंग अभी शुरुआती चरण में है, जिसमें मेटावर्स के बाद बेतहाशा बढ़ोतरी होगी। भारत हर दिन मोबाइल पर ज्यादा समय बिताने वाले देशों में शामिल है। मेटावर्स के आने के बाद भारतीय की स्क्रीन टाइम पहले से ज्यादा पड़ जाएगी। इसका असर दूर संचार कंपनियों की कमाई पर भी पड़ने वाला है। इससे जियो और भारतीय एयरटेल को सबसे ज्यादा लाभ होगा। भारत में फिक्स्ड ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करने वाले तेजी से बढ़ रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2019-20 में फिक्स्ड ब्रॉडबैंड उपभोक्ता 6.8% थी, जो कि 2021-22 में बढ़कर 9% तक पहुंच जाएगी। बात अगर 24-25 तक की करें तो यह आंकड़ा 12.60% के पार पहुंच सकता है। ऐसे में क्या होता है आखिर ये मेटावर्स, पहले इसको जान लेते हैं। दरअसल में यह एक 3D वर्चुअल रियलिटी है। यह ऑग्यूमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी पर आधारित है। इस तकनीक की मदद से कोई व्यक्ति पूरी तरह वर्चुअल दुनिया में प्रवेश कर सकता है और उसे वर्चुअल दुनिया ही सच लगने लगती है। मेटावर्स की मदद से वर्चुअल दुनिया में वह सब कुछ अनुभव कर सकते हैं जिसे आप सच में करना चाहते हैं। इसकी मदद से वर्चुअल दुनिया में आप अपने दोस्त के साथ चाय कॉफी पी सकते हैं, जो आपसे हजारों किलोमीटर दूर है। इसे सोशल मीडिया का भविष्य भी कहा जा रहा है। पिछले दिनों फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा रखा है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।